बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक है। तो माशाल्लाह से आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अल्लाह के करम से सब कुछ अच्छा अच्छा सा हो गया, अचानक से दावत का प्रोग्राम भी बना और माशाल्लाह से दावत भी बहुत अच्छी हो गई और मेहमान रात को इधर ही थे बच्चों के। तो आप जो है ना सुबह सुबह गए हैं तो फिर बैठक की सफाई की है और बिस्तर जो है ना हमने बाहर इसलिए निकाले हैं धूप में क्योंकि अब मौसम ख़त्म हो चुकी है बिस्तरों की रज़ाइयों और गद्दों की, तो इसको जो है ना अब हमने पैक करके रख देने हैं। तो नए निकाले थे पेटियों से तो अभी इसको धोना तो नहीं है, वैसे एक रात डाली है बच्चों ने तो इसीलिए हमने धूप में इसको रख दिया ताकि ये थोड़े खुश्क हो जाएँ तो फिर इनको पैक करके रख देंगे। वैसे माशाल्लाह से देखे जैसे मौसम अच्छा हुआ ना तो हमारा गार्डन का जो है ना तल्ला भी सारा हरा भरा हो गया है। और अभी जो है ना इधर गंदम की सफाई कर रही है देवरानी साहिबा और मैं तो कुछ और काम कर रही हूँ और पंखा भी से हमने चला दिया, गर्मियाँ आ गई है ना इस वजह से। तो मैं क्या काम कर रही हूँ आज चलो चल कर आप लोगों को वो भी दिखाते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी प्यारी धूप निकलना शुरू हो गई है, अच्छा मौसम हो गया है, हल्के हल्के से कहीं कहीं से बादल भी आ जाते हैं। इंतज़ार हो रहा है माह रमज़ान के महीने का, तो कुछ ही दिन बाकी बचे हैं क्योंकि महीने तो अब हो चुके हैं ख़त्म, अब गिनने के दिन आ बचे हैं। तो बहुत ही खुशी से इंतज़ार कर रहे हैं और तैयारियाँ भी कर रहे हैं ताकि माह रमज़ान में जो है ना बहुत ही अच्छे अच्छे से माह रमज़ान हमारा गुजरे, अल्लाह ताला हर किसी को सेहत दे तंदुरुस्ती दे। तो अब जो है ना जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करने हैं, मैं इसीलिए चलती हूँ इस घर में। तो वैसे किचन को तो हमने चारों तरफ से ओपन कर दिया है, इस साइड से भी पर्दा लगा हुआ था, वो दर का भी लगा हुआ था, ये सब हमने उतार दिया और ये साइड पर जो पहली साइड है इस पर जो है ना शापर हमने इकट्ठा करके ऊपर बांध दिया है। ये आज हमने ना किचन में नई तंदूरी लगाने का सोचा है क्योंकि पहले वाली तंदूरी जो है ना हमारी ख़राब हो चुकी थी। तंदूरी की रोटी के बगैर तवे की रोटी हमें अच्छी नहीं लगती, हम देहाती लोग जो होते हैं ना सिर्फ दो महीने सर्दियों के सख्त जो दो महीने आते हैं ना उन दो महीनों में हम तंदूरी तवे पर रोटी बनाते हैं, वरना हम अक्सर जो है ना तंदूरी की रोटी बनाकर खाते हैं। हसीब की वीडियो बन रही है, क्या करें हसीब, के अलावा हसीब का कोई काम नहीं है। दो दिन हो गए, तीन दिन हो गए इसको जो है ना जख्म हुआ है, पहले हाथ पर हुआ था फिर जो है ना पाँव पर हो गया। ठीक हो ठाक हो और कुछ नहीं, अब स्कूल अब एक भी छुट्टी नहीं होगी, कहाँ जख्म हुआ था दिखाओ पैर पर, देखिए अब जो ना ये खुश्क हो चुका है ये। तो अभी जो है ना ये देखें ये मट्टी जो है ना हम उठा के बाहर फेंकते हैं क्योंकि ये जो है ना अब इसके काम नहीं आएगा। अब अभी जो है ना हम आप लोगों को बना कर दिखाते हैं कि तंदूरी लगाई कैसे जाती है। तो इसको तंदूरी को हम रखेंगे इसके अंदर और रिजान क्या कर रहा है, ये शापर की लेकर आया है पता है आप लोगों को, मैं बताती हूँ इधर मोबाइल तुम पकड़ो मैं बताती हूँ। तो अभी जरा मैं शापर को पकड़ती हूँ, फिजान जो है इसमें रोटी डालेगा, रेत में जो है ना हमने बजरी भी मिक्स किया है। ये क्लोज है इसको थोड़ा सा और भी। तो माशाल्लाह से आज जो है ना आप ही आई है स्पेशल गाड़ी की मुबारकबाद पेश करने। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी जो है ना घर में काम कर रहे थे कि अचानक से ये लोग आ गए, हमें पता ही नहीं था ना, छापा मारा अचानक इन्होंने। आपने बताया था हमें जब गाड़ी ली थी नहीं। तो फिर हम भी बगैर बताए यहाँ पर आए हैं क्योंकि हमने भी सरप्राइज देना था कि खसूसी गाड़ी को देखना है स्पेशली जाके। आज दिन भी बहुत खूबसूरत निकला हुआ था, न गर्मी थी न सर्दी थी, बहुत ही लाजवाब मौसम था। तो बेगम साहबा ने सोचा कि बहन से भी होती आऊंगी और गाड़ी की भी मुबारकबाद देती आऊंगी। तो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है गाड़ी, देखते ही पता लगता है भाई गाड़ी है जिसे गाड़ी बोलते हैं। तो माशाल्लाह से अभी जो है ना ये तमाम इसमें जो जितने भी
इस गाड़ी की खसूसियात है, पहले मैंने तो अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन अभी आप लोगों को बताते चलूँ कि देख रहे हैं आप कितने इसमें कैमरे लगे हुए हैं इसके अंदर और इसके बाइक साइड पर। और इसकी एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि अगर ये गाड़ी बगैर ला के खड़े हो तो पीछे से कि थोड़ा सा हल्का सा पैर हला है ना तो डिग्गी खुद ब खुद खुल जाती है। तो मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, कल जो है गाड़ी हमें बाहर खड़ी की और कोई साथ में से गुजरा देखा उसने तो एकदम से शायद उसने पैर लगाया होगा, डिग्गी एकदम से अपने आप खुल गई। तो थोड़ी देर हम बाहर जैसे बाहर गए तो देखा तो डिग्गी खुली है, हम इधर से देख रहे बंदा तो कोई नहीं है, डिग्गी कैसे खुली है। बहुत ही जबरदस्त गाड़ी है और अंदर से मुकम्मल सीट्स भी नजर आ रही हैं कि इसमें तकरीबन 5 से 6 आदमी सफर आसानी से कर सकते हैं। खुली जगह है, बड़ी गाड़ी है और इंशाल्लाह कभी वक्त आएगा तो इसके अंदर भी बैठ के आपको सफर करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। नहीं अभी तो इतना आपके पास भी टाइम नहीं होगा और ड्राइवर भी नहीं है इस टाइम, ड्राइवर भी नहीं है ना, मैं तो इसको नहीं स्टार्ट कर सकता। हाँ तुम इसको लेके जाओगे बाहर, देखो ना, तो इंशाल्लाह कभी जरूर बैठेंगे इसके अंदर। हाँ तो अभी बस अभी जो है ना माशाल्लाह से मेहमान भी चले गए हैं घर को और थोड़ी देर के लिए आए थे इमरजेंसी में, ऐसे उन्होंने सोचा कि गाड़ी भी देखते चले और फिर जो है मुबारकबाद भी देते चले। तो अस्सलाम वालेकुम, अभी जो है ना मुंगरे जैसे कि हर किसी को पता चल रहा है, जो वैसे दावत पर जो है ना हमने अपने रिश्तेदारों में से किसी को भी नहीं बुलाया था, क्योंकि दावत जो हमने की थी ना तो वो बच्चों इब्रार ने अपने दोस्तों को पार्टी दी थी, तो इब्रार तो कहीं बाहर पार्टी देने का सोच रहा था, लेकिन फिर जो है ना हमने इब्रार से कहा कि नहीं भाई पार्टी घर पर ही कर लेते हैं, अपने दोस्तों को भी पार्टी दे देना और बाकी जो है ना हम अपने हमसायों को, क्योंकि पहला हक होता है हमसायों का, तो हम अपने हमसायों को भी जो है ना ये दावत में यानी कि उनके घर तक भी ये पहुंच जाएगी और सबको करीबी जितने भी हमसाए हैं रिश्तेदार थे तो इनके घरों तक भी पहुंच जाएगी, ताकि फिर बाद में बड़ी दावत तो जब करेंगे क्योंकि बड़ी दावत इंशाल्लाह कुछ अरसे बाद करेंगे और सब तमाम रिश्तेदारों को भी बुलाएँगे। तो अभी जो है ना फिल वक्त पार्टी थी छोटी सी, एकदम से धूप निकलना शुरू हुई तो ऐसा लगता था कि एकदम से जैसे सर्दियाँ ख़त्म हुई तो एकदम से गर्मी वो आ गई है बहुत ज़्यादा। क्यों नहीं बढ़ना था, नहीं बढ़ना, ये बड़ी होनी थी, इसके आगे फूल भी नहीं था, वो फूल गिरे हुए हैं ना, ये देखिए ये बुंगरे ना बनते बड़े बड़े, फिर आगे डालियाँ निकल आती है ना इस वजह से डालियाँ नहीं तोड़नी। और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं ये बुंगरे भी, ये हैं ये देखो से तोड़े आप पट्टे चले भी कुछ उर्दू कुछ सराकी आगे भी हैं, ये देखो ये नहीं है ये जो ना हसीब कहता है कि अम्मी आप बुंगरे तोड़ के दिखाएं कैसे तोड़ते हैं, ये देखिए इसको ना ऐसे डाली को पकड़ के ना ऐसे तोड़ते हैं इस तरह से ना, ऐसे नहीं तोड़ते ना, ऐसे नहीं तोड़ते ना, ऐसे जो है ना फिर ये देखे दोबारा बैठ के ना दोबारा इसकी ये सब जो है ना ये तोड़नी पड़ेगी, ये ऐसे करके अब हम इधर से ऐसे तोड़ेंगे ना, ये देखिए हंसी इधर देखिए ये ऐसे तोड़ेंगे ना हम ऐसे करके, ये देखिए इसके जो है ना ये इसके चूतियाँ हैं ये बिल्कुल साफ हो साफ साफ निकल आएंगी। ठीक हाँ तो भी बस अभी जो है ना एक और बात मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि माशाल्लाह से जो भी सुनता है ना हमारी गाड़ी के बारे में एक दफ़ा वो देखने ज़रूर आता है हमारे पूरे इलाके में, जब से गाड़ी है ना हमारे पूरे इलाके में से हर रोज़ कोई ना कोई सुबह से लेकर शाम तक कोई जाता है कोई आ रहा होता है कोई जा रहा होता है सिर्फ गाड़ी देखने के लिए, क्योंकि वो देखने ये आते हैं, एक तो ये लोग देखते हैं कि माशाल्लाह से ये गाड़ी कितनी खूबसूरत है और कैसी गाड़ी है जो इतनी महंगी और कीमती है, दूसरे ये कहते हैं कि देखे तो सही इब्रार ने इसको किस कैसे ख़रीदा है कैसे ख़रीदा है, आके पूछते हैं भाई तुम क्या काम करते हो कैसे काम करते हो कौन सा बिज़नेस करते हो, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं और वीडियो में भी काफ़ी सारे मेरे बहन भाइयों ने ये सवाल किया है कि इब्रार कौन सा बिज़नेस करता है, हमें भी वो बिज़नेस सीखना है। तो कोई भी काम सीखने के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी होता है, इब्रार ने भी किसी से जाकर नहीं सीखा, घर में बैठ के मोबाइल से ही सीखा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अब खुद रिसर्च करके बहुत सारे बिज़नेस हैं कारोबार हैं जो YouTube पर भी चलते हैं, ऑनलाइन काम होते हैं, मोबाइल पर बैठ के सारे आजकल के दौर में बिज़नेस हो रहे हैं। अब मुझे तो इन बातों का ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, ना ही मैं
ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ तो हर कोई अपना काम खुद ही कर सकता है, अब मैं किसी को क्या जवाब दूँ। वैसे भी इब्रार जो है ना अक्सर वीडियो डालता रहता है अपने काम के बारे में, उसकी एक ऐप है उस पर वीडियो डालता है, लेकिन मैंने मुझे ज़्यादा पता नहीं है, मैं इब्रार से पूछ कर फिर आप लोगों को बताऊँगी, तो आप लोग वहाँ जाकर खुद ही देख लेना और पता कर लेना कि कौन सा काम और कैसे हो रहा है। तो इसी के साथ अभी हमने खाना बनाना है, शाम की रूटीन का वक्त शुरू हो चुका है और अभी हमने खाना बनाना है, तो आप लोगों से हम चाहते हैं इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप तमाम बहन भाइयों को खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अगले सरप्राइज़ का आप लोगों ने इंतज़ार रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।